हेलो एवरीवन, प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसका पहला पार्ट जो है बेसिक्स, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में आपको करना क्या है, सिंपल है। सर्कल होगा, उसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क ढूंढनी है, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढना है। बस दो ही फॉर्मूलाज है, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है ना। मोस्ट ऑफ पार्ट उसका सेक्शन ए में ही आ जाएगा, फॉर्मूला रिलेटेड। अगर आपको फॉर्मूलाज आ गए तो सेक्शन ए इजीली कर पाओगे। फॉर्मूला और बेसिक कैलकुलेशन आ गए तो सेक्शन ए में जो वन मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको इजीली आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ पार्ट्स सर्कल को आपको पहले से पता ही है, फिर भी यहां पे मैं रिवाइज करवा देता हूं कि सर्कल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, ओसी को यहां पे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, एंड ये ए बी जो है वो क्या है, डायामीटर है। वो क्या है, डायामीटर, यानी कि रेडियस का डबल ना सर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। फिर आर्क लेंथ, अब आर्क लेंथ समझना, पूरा सर्कल जो होता है उसमें ये जो बॉर्डर होती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। बट उसका कुछ पार्ट ले ले तो उसको क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आर्क लेंथ बोलेंगे, राइट। छोटा वाला पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, राइट। ओके नेक्स्ट, ये जो पिज्जा जैसा दिख रहा है आपको, ये जो पिज्जा जैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, सर्कल का सेक्टर, सर्कल का सेक्टर। जो पिज्जा जैसा दिखे उसको सेक्टर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इतना याद रख लेना, राइट। अब उसमें भी दो पार्ट है, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। जो छोटा है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। उसके सिवाय जो भी सर्कल में अब बचा, यानी ये वाला पोर्शन ना, इतना जैसे पिज्जा निकाल दिया, इतना स्लाइस निकाल दिया, तो बाकी जो पार्ट बचा उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। बहुत इजी सा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। आना टॉपिक समझो, फॉर्मूला समझो और बस कैलकुलेशन चालू कर दो, इतना ही है। अगर कोई कॉर्ड है तो कॉर्ड सर्कल के दो टुकड़े करती है, कोई कॉर्ड जो है सर्कल के दो टुकड़े करती है ना। जो छोटा वाला टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है इसके सिवाय है ना, ये वाला यहां से लेके ये अंदर का जो एरिया है वो, उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो चैप्टर के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे ना वो यही थे, बेसिक फंडामेंटल्स कि क्या क्या है और हमें ढूंढना क्या है। अब फॉर्मूला पे चर्चा कर लेते हैं, अब फॉर्मूलाज पे चर्चा कर लेते हैं ना। एकदम छोटे छोटे फॉर्मूला है वो आपको बस प्रिपेयर करने हैं। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे है आर्क लेंथ का। अगर आपको ये आर्क लेंथ ढूंढनी है, अगर आपको ये आर्क लेंथ ढूंढनी, उसको क्या बोलेंगे हम, कई बार इसे इस तरह भी नोट कर सकते हैं, ए सी बी और ऊपर एक आर्क, ए सी बी और ऊपर एक आर्क। तो आर्क लेंथ ढूंढने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर आपको पता होगा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, 2 पाई आर क्या है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। तो हम एक्चुअली वही कर रहे हैं, पूरे सर्कमफेरेंस में से एक टुकड़ा ले एक टुकड़ा ले रहे हैं और उसकी लेंथ हमें टूटनी होती है, उसको बोलते हैं आर्क लेंथ। अब ये थीटा कहाँ से आएगा, थीटा क्वेश्चन में दे रखा होगा, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। जो आर्क होती है ना, जो आर्क वो एक एंगल बनाती है सेंटर से, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। बस वो पता चल जाए तो काम हो जाए, वो एंड रेडियस है ना आर। देखो इन ये फॉर्मूला में से दो ही चीज अगर हमको पता चल जाए तो काम हो जाए, दो ही चीज हमको पता चल जाए तो काम हो जाएगा। एक क्या है, थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, ये आर्क जो है वो सेंटर के आगे कौन सा एंगल बनाती है ना, 360 डिग्री में से कुछ भी हो सकता है, वो कौन सा एंगल बनाती है। एंड दूसरी रेडियस, अगर रेडियस आपको सर्कल की मालूम पड़ जाए तो भी हम इसे ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली आर्क लेंथ जो भी यूनिट होगा उसी यूनिट में आएगी, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में
आंसर उसका आएगा मीटर है तो मीटर में आंसर है। फाइन, ये दो अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम ही फॉर्मूला, मोस्ट आईएमपी फॉर वन मार्क क्वेश्चन, फॉर्मूलाज कर दो इस चैप्टर के, है ना, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में। फाइन फाइन फाइन, यहां पे 2 और 360 को बस कट आउट किया है, 2 × 180 क्या होता है, 360 ही होता है। फाइन, एक एग्जांपल है हमारे सामने, यहां पे देखो हमें आर्क लेंथ ढूंढनी है, जहां पे थीटा जो आर्क है वो सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, एंड रेडियस इसका क्या है, 7 सेंटीमीटर रफली। अगर ड्रॉइंग में ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा, 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा है तो ऐसा ही होगा ना, तो हमको क्या ढूंढना है, ये चीज ढूंढनी है, हमको क्या ढूंढना है, ये चीज ढूंढनी है, जो येलो कलर की मैं कर रहा हूं वो यहां से लेके यहां तक, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम में कर डालते हैं इसमें, क्या ये है 90 डिग्री, आर्क लेंथ ढूंढनी है। फाइन, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है ये वाला, थीटा बाय 360 इंटू, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, कि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, बस उसके लिए तैयार रहना है, इंटू 2 बाय आर, थीटा क्या है 90 अपॉन 360, इंटू 2 × π, अगर कुछ ना बोला जाए तो 22/7 ले लो, कुछ ना बोला जाए तो 22/7 ले लो, 94 ज़ा 360 हो गया, 94 ज़ा 360, ओके 1/4, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा तो 1/2, और ये 11 हो जाएगा, 7/7 तो कट गया, तो ये 11 सेंटीमीटर फाइनल आंसर आएगा, तो आर्क लेंथ यहां पे क्या है, 11 सेंटीमीटर, बहुत इजी है, आराम से आप गिन सकते हो, कुछ है नहीं। आगे जाते हैं, ये पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे बेसिकली दो मेन फॉर्मूलाज है, एक तो है आर्क लेंथ ढूंढने का और एक है सेक्टर का एरिया ढूंढने का, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने का, उन दोनों की हेल्प से हम एरिया ऑफ सेगमेंट भी ढूंढ सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट भी ढूंढ सकते हैं, तो दो मेन फॉर्मूला और जो तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट, वो बाकी दोनों फॉर्मूला से बनेगा, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आपको ये पिज्जा कटिंग ढूंढना है ना, ये पिज्जा कितने एरिया का मैं खा गया वगैरह वगैरह, तो इतना एरिया अगर आपको ढूंढना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा बाय 360, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, वहां पे क्या था, आर्क लेंथ था तो 2 पाई आर, बस इतना ही चेंज है, बस इतना ही फर्क है, फॉर्मूला याद रखना भी काफी इजी है, काफी इजी है, पाई आर स्क्वायर। फाइन, चलो थीटा 90 डिग्री है, 7 सेंटीमीटर वही सर्कल है जो हमने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, फिर से ड्रॉ करता हूं, ओके, हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है, हमको ये एरिया ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। आगे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे ये चैप्टर को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे मैं कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फास्ट गिन पाओगे, राइट, कैसे आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे, एंड जब ऐसे नोन एंगल्स है ना, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, तब एरिया कैसे ढूंढना है। अभी तो चलो पहले फॉर्मूला लगाना सीख लेते हैं, अभी तो फॉर्मूला लगाना पहले सीख लेते हैं। फाइन, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है, 90/360 इंटू पाई क्या है, कुछ नहीं बोला गया तो 22/7 ले लेंगे, आर क्या है, 7 × 7 आर स्क्वायर है ना, ओके फाइन। अब क्या करेंगे, अब बस काटाकुटी करनी है, 94 ज़ा, ओके इधर 2 आ जाएगा, इधर 11 आ जाएगा, एक एक 7 चला जाएगा, तो 77 अपॉन क्या आएगा, 2 77 अपॉन 2, और एरिया है, एरिया मीन्स हमको स्क्वायर यूनिट में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। फाइन, चलो
लास्ट थिंग, लास्ट थिंग इस चैप्टर की लास्ट थिंग, ये तीन चीजें आपको आ गई और थोड़ा सा लॉजिक लगाना आ गया और कैलकुलेशन अच्छा करना आ गया, तो ये पूरा चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा, पूरा चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा, राइट ओके। इसे कहते हैं सेगमेंट इन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो सेगमेंट उसका एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर होगा है ना पूरा, ये जो पिज्जा कटिंग वाला ये इंक्लूडेड है, ये भी उसमें से है ना, ये कुछ ऐसा हो रहा है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। अगर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या, सेगमेंट का एरिया, क्या बचेगा, सेगमेंट का एरिया। ये पूरी चीज में से ये ट्राइंगल हटा दे क्या बचेगा, सेगमेंट का एरिया बचेगा, यही है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना आपको आता है, अभी जो आगे फॉर्मूला हमने किया वो वही किया था। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटरेस्टिंग, तीन अलग अलग तरीके से मोस्ट ऑफली हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अगर एमसीक्यू में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा या तो 60 डिग्री होगा, अगर एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू या वन मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो है ना 90 या फिर 60 डिग्री ही होगा ज्यादातर केसेस में। तो अगर 90 डिग्री है एंगल, अगर 90 डिग्री है तो वन हाफ ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, वन हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, यही उसका बेस होगा, रेडियस ही उसका बेस होगा और रेडियस ही उसकी हाइट होगी, तब ट्राइंगल का एरिया हमें ये लेना है। अगर 60 डिग्री है, अगर थीटा 60 डिग्री है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी चैप्टर में अलग अलग एंगल्स आ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन में अलग अलग एंगल्स आ सकते हैं। अगर 60 डिग्री है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्यों वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल में। अगर 60 डिग्री है तो हमें क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना, सोचो, ये आपका होमवर्क है, आपको सोचना है क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, बहुत सिंपल, थोड़ा सा सोचोगे फिर पता चल जाएगा। तब रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। ओके अभी तो थीटा 90 डिग्री है तो अभी हम ढूंढ लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, हमने ढूंढ रखा है विच इज 77/2, ये कहां से लाए, तो देखो ये यहां से लाया मैं ना, वही है थीटा भी 90 डिग्री है, 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका एरिया है, इसका एरिया है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। ओके मैं सर्कल ड्रॉ करता, ये रहा वो सर्कल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, यहां पे 7 होगा, यहां पे 7 होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 7 इंटू 7, 1/2 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं, एंड में लिख देना, तो 77/2 माइनस 49/2, तो 77 माइनस 49/2 तो कितना आएगा, 27/28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंसर आएगा। बहुत इजी था क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बुक में है। फाइन, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आई होप बेसिक चीजें तुम लोगों को समझ में आई होगी, ये बेसिक चीजें ही आपके अच्छे मार्क्स ला सकती है, समझो ना, बड़े बड़े क्वेश्चन करना इतना भी मुश्किल बात नहीं है, बट अगर आप सेक्शन ए इजीली कर पाते हो, सेक्शन ए इजीली कर पाते हो, देन आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। ओके अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, प्रिय सर विद्यापीठ चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं, एंड कीप गोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होता रहेगा।